नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड्स के बारे में। सो बेसिकली फेसबुक ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड होता क्या है, किस तरह से काम करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन किया था कि फेसबुक ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड है क्या और किस तरह से काम करता है। तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको भी इस तरह से कुछ डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चन हो गए तो आप उन क्वेश्चन को हमारे जो वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं। उसके लिए हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसके लिए नया वीडियो बना सके, उसे एक्सप्लेन कर सके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है। अगर मैं इस ब्लॉग पोस्ट को फेसबुक और ट्विटर में शेयर करता हूँ तो उसका प्रीव्यू किस तरह से शोकेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैंने यूआरएल कॉपी कर ली है, अब इसमें फेसबुक में शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे ही सीआरएल को मैं फेसबुक में पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक ने इसका एक प्रीव्यू जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ इमेज शोकेस हो रही है, यहाँ पे इमेज दिखा रही है। सिमिलरली यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी शोकेस हो रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि जो पर्टिकुलर ये ब्लॉग पोस्ट है इसके लिए आपको स्पेसिफिक इमेज शोकेस करना चाहते हैं और स्पेसिफिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन शोकेस करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं फेसबुक ओपन ग्राफ यूज़ करना पड़ता है। अगर सिमिलरली ट्विटर के लिए मैं ट्विटर कार्ड यूज़ करना पड़ता है, तो हम वो किस तरह से यूज़ करेंगे आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, मैं वर्डप्रेस में वेबसाइट है मेरी, तो इसलिए हमने वर्डप्रेस में आपको सबसे पहले वर्डप्रेस में वेबसाइट लॉगिन होना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड में चले, और आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाइए, हमें यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना है योस्ट नाम से। तो प्लगइन्स, एड न्यू, और यहाँ पे आपको सर्च करना है योस्ट। तो ये जो योस्ट इससे का प्लगइन है, इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसे अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें हम इसे एक्टिविटी यहाँ से कर देंगे। बाद में हम पोस्ट में जाएंगे, जो हमें जिस ब्लॉग पोस्ट के लिए हम चाहते थे कि हमारा जो स्पेसिफिक इमेज टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते थे फेसबुक के लिए और सिमिलर ट्विटर के लिए, उस ब्लॉग पोस्ट को हम ऐसे ओपन करेंगे। तो ये जो थर्ड पोस्ट है वो हमारे होटल एसईओ की पोस्ट है। तो इसे मैं एडिट ओपन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको योस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये योस्ट एसईओ लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर जाके हम सेट करेंगे जो फेसबुक ओपन का ट्विटर कार्ड जो होता है, हम यहाँ से जाके सेट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सोशल का, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फेसबुक और ट्विटर। तो यहाँ पर जाके हम फेसबुक ओपन ग्राफ और ट्विटर कार्ड सेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फेसबुक वाला टाइटल है हमारा, टाइटल क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं एक बेसिक मैं अभी सिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ टाइटल यहाँ पर किस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और सिमिलरली हमें यहाँ पर इमेज कौन सी शोकेस करनी है। तो यहाँ पर फेसबुक इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप इमेज अपलोड भी कर सकते हैं या इमेज। तो यहाँ से मैं एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ जो इमेज मैं शोकेस करना चाहता हूँ, यूज़ इमेज, और मैंने यहाँ से भी फेसबुक के लिए सेट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे जाके मैं ट्विटर का भी सेट कर सकता हूँ, ट्विटर कार्ड भी सेट कर सकता हूँ। तो करेंटली मैं फेसबुक का यहाँ पर सेट कर दिया है हमने, बस हमें इसे भी सेव करना है। तो इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो हमारी पोस्ट थी इसे हमने अपडेट कर दिया है। अगर इस यूआरएल को मैं यहाँ पे दोबारा शेयर करता हूँ तो इसका जो प्रीव्यू है वो किस तरह से दिखाई देगा, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जैसे देख सकते हैं, हमने अभी जो फेसबुक ओपन कर पे चेंजेस किए थे वहाँ पे शोकेस नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमें फेसबुक ओपन ग्राफ डिबगर ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए हम गूगल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक ओपन ग्राफ डिबगर। ये टूल ओपन कीजिए, जो फर्स्ट आपको यूआरएल दिखाई दे रही है फेसबुक ओपन ग्राफ की, और यहाँ पे जाके हमारे जो यूआरएल थी ब्लॉग पोस्ट की यूआरएल, मैं यूआरएल यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करनी है, और यहाँ पे मैं डिबग कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो यूआरएल है फेसबुक ने 5 मिनट पहले स्क्रैप की थी। तो मैं इसे स्क्रैप अगेन पे क्लिक करना है। सो जैसे हमने स्क्रैप अगेन पे क्लिक किया, यहाँ पे जो हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन और इमेज जो थे वो चेंज हो चुकी है। अब इस यूआरएल को अगर मैं फेसबुक में जाके शेयर करता हूँ तो ये जो हमने अभी आपको प्रीव्यू दिखाई दे, यही प्रीव्यू फेसबुक में शोकेस होगा। इस यूआरएल को मैं दोबारा एक बार शेयर करता हूँ यहाँ पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यूआरएल का जो प्रीव्यू है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से फेसबुक ओपन ग्राफ का यूज़ करके आप जो स्पेसिफिक इमेज शोकेस करना चाहते हैं, टाइटल जो शोकेस करना है और डिस्क्रिप्शन शोकेस करना चाहते हैं, वो अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ट्विटर कार्ड भी इसी तरह से अपडेट कर सकते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।